नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बसपा प्रत्याशी ने मुख्यालय पहुंचकर किया नामांकन। यूपी के कौशाम्बी जिले में आने वाली 253 विधानसभा सीट चायल से बसपा प्रत्याशी अतुल द्विवेदी ने आज मंझनपुर मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए सत्ता में आने पर क्षेत्र में छुट्टा मवेशियों द्वारा किसानों को हो रहे नुकसान से निजात दिलाने की बात कही। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने का वादा भी किया। बता दें कि कभी बसपा का गढ़ माने जाने वाले कौशाम्बी जिले में जिस तरह से पार्टी साख खो चुकी थी, ऐसे में अतुल द्विवेदी के अथक प्रयासों से एक बार फिर कौशाम्बी में हाथी दौड़ती दिख रही है। वहीं अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा चायल विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच बसपा प्रत्याशी अतुल द्विवेदी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। प्रयागराज मंडल प्रभारी मानचंद्र मौर्य की खास रिपोर्ट। है आवारा पशुओं का, यदि सरकार बनती है बसपा की तो इनके विषय में आप क्या करेंगे? देखिए, जो आवारा पशु हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है कि गौवंश का संरक्षण करना, लेकिन आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो खाद्यान्न का वितरण है, जो आदमी बोलचाल बौद्धिक है उसके खाद्यान्न में फ्रॉडगिरी होती है, तो गौवंशों को जो वो खाद्यान्न या उनके संरक्षण के लिए जो पैसे दे रहे हैं वो उसमें बंदर बांट किया जा रहा है। इस वजह से आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बहन मायावती जी की सरकार जिस दिन से आ जाएगी, ये भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। जनता के बीच आप जाते हैं मुद्दों को लेकर, जनता आपका साथ देगी या नहीं देगी, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? क्या समर्थन मिल रहा है जनता का आपका? देखिए, हम लोगों को जब से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चायल के लोगों के पास अपने विजन और दृष्टि को ले जा रहे हैं। युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, सब समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज चायल में तो बहुजन समाज पार्टी की एक लहर बन चुकी है। धन्यवाद।